हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इंडिपेंडेंस डे वाले व्लॉग में बताया था कि महक ने हम सबको अपने घर पे इनवाइट किया है, तो हम सब उसके घर पे जाएंगे। अब मैंने चेंज तो कर लिया है लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। मैं तैयार होती हूँ और फिर हम लोग जाएंगे महक के घर और बस तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखें, मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ और बुशरा भी रेडी होगी। बुशरा वगैरह ड्रेस पहनेगी, गज़ल पर भी रेडी होने चला गया है। फिर इंशाल्लाह अब हम आपसे वहाँ जाके मिलेंगे। ये है मेरा ड्रेस। तो हम आ गए हैं महक के घर पे और हम मतलब गज़ल पर भी आया है, गज़ल और बुशरा आई है और साथ में महक का घर है, तो महक तो होगी। तो अब मैं आपको महक से मिलाती हूँ। तो ये है महक और बुशरा। बुशरा का ड्रेस मैं आपको पहले दिखा चुकी थी कि ये पहन रही है, ये बुशरा है। अब बुशरा क्यों नहीं आती थी मेरे ब्लॉग्स में, सब पूछते थे कि आपके ब्लॉग्स में बुशरा क्यों नहीं आती है। कहानी आमना के तो बुशरा के ब्लॉग्स में ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी मैं ब्लॉग बनाने लगती थी तो बुशरा फ़ौरन से जो है मतलब अगर मैं बुशरा को ये कहती थी ना, बुशरा एक मिनट मैं ब्लॉग बना लूँ, तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी और उस लड़ाई के चक्कर का एंड ये होता था, ना ब्लॉग बनता था और ना ही कुछ और होता था। बस हमारी लड़ाई हो जाती थी और वहीं पे उस दिन का ब्लॉग और उस दिन की सारी मस्ती वगैरह ख़त्म हो जाती थी। तो ये रीज़न था, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था। बुशरा की कोई मांगनी नहीं हुई किसी ने मुझे पर्सनली मैसेजेस कर के पूछा है किसी ने, क्या बहुत सारे लोगों ने, क्या बुशरा का कहीं रिश्ता हो गया है, बुशरा के ससुराल वालों ने मना किया है, बुशरा क्यों नहीं आती, बुशरा के बंदे ने मना कर दिया है उसको ब्लॉग में आने का। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हम दोनों की लड़ाई थी मेन रीज़न। और लड़ाई क्यों होती थी बुशरा, थोड़ा सा तुम भी बता दो वरना किसी को यकीन नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आया था जब रात को 3 बजे मुझे उठा के कह रही आप ब्लॉग बनाते हैं। तो उस वक्त अब हम लोगों को उसी वक्त जोश आया था गज़न और मुझे, तो हम ब्लॉग बनाने लग गए और वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो हमने इसको उठाया कि आके वीडियो बना लो। और इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। आगे हम जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बेचारा गज़न पर बहुत बोर हो रहा है, ये देखें। तो कनेक्टेड रहें। तो अभी महक कह रही है कि आज हम कुछ करते हैं। मैंने तो कहा है दमशराज खेलें, मगर गज़न कह रहे हैं दमशराज नहीं। क्यों गज़न? हम कम हैं, तो कोई बात नहीं, हम कोई और गेम खेलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तुम बताओ कौन सी गेम। अब हम यहाँ तो सोच के बताते हैं, तुम भी बोल दो। पता नहीं विषय, तुम भी बोल दो। पता नहीं। तो हमें कोई गेम समझ नहीं आ रही, तो अब डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। तो बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। महक बता रही है कि यहाँ पर एक सुपर बिरयानी है, बहुत फेमस है, तो बस वहीं खाने जा रहे हैं। एक ये महक की बिल्डिंग बिल्कुल ही भूल भी नहीं है, दो ब्लॉक साथ चले हुए। ये देखें, हम आए हैं पीपल स्क्वायर। ये इन्होंने एक स्ट्रीट बनाई है जो बिल्कुल टर्किश स्ट्रीट जैसी है। और ये तो अब देखें, अभी तो ये बंद लग रहा है क्योंकि शायद रात में ये ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगता है ना, रात में ज़्यादा ओपन होता है। यहाँ पर तो स्विंग्स भी हैं, फ्लाइंग कारपेट। अब इन लोगों का दिल कर रहा है ये लेने का। 6 बजे ओपन होगा। अब यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। मैं और गज़न पर बोर हो रहे हैं, इनको पिक्चर्स लेता हुआ देख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमें कहीं खाना खाने के लिए ले चलो, तो अब यहाँ तो कुछ नहीं है वरना यहीं से खाते। अब हम जा रहे हैं कौन सुपर बिरयानी खाने, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। दोनों लगी हुई
नहीं है पिक्चर्स लेने के लिए, कोई होश नहीं है इनको कि हम भी साथ हैं। और अब इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लिप बनाया था जिसमें हम बता रहे थे कि अब हम सुपर बिरयानी आ गए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन गलती से वो म्यूट हो गया। सबसे पहले हमने बिरयानी ऑर्डर की। गजन का बिरयानी खा के बताएगा कि कैसी लगी। चलो गजन। फिर ये ब्रोस्ट ऑर्डर किया था हमने, तो आप देख सकते हैं हम कितने जंगलियों की तरह खा चुके हैं। मैं इन जंगलियों के साथ आई थी। ये देखें हालत चेक करें, एक जंगली मैं खुद भी थी इनके साथ। हम आ गए हैं वापस। ये देखें भूल भुलैया है इसकी। हाँ। देखें हम लोग ना लिफ्ट में बैठे हैं, लेकिन लिफ्ट में मस्त है। देखें हम लोग चलने वाली लिफ्ट में बैठे। तो हम लोग घर आ गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे ब्लॉग्स को इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।